जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज़ादी के बाद से ही किसी कारण बस जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन से अछूता था। लंबे समय बाद मैं कहूं, पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 28,400 करोड़ रुपए के सहायता वाली नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यहां शुरू हुई है। पिछले 9 महीनों में 29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिले हैं, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए के निवेश को हमने स्वीकृति दे दी है, उनको जमीनें दे दी गई, उन्होंने काम प्रारंभ किया है और विभिन्न क्षेत्रों में लोग रुचि ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक मोटे तौर पर 35,000 करोड़ के प्रस्ताव हम स्वीकृत कर लेंगे।